की ताकत क्या होती है, संविधान क्या होता है, दिखा दो एक बार, संबल की धरती से एक बार दिखा दो कि मुसलमान किसको बोलते हैं। हम लोग ना जब छोटे होते थे सिलमपुर के अंदर जाने से डरते थे, दिल्ली के अंदर, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, छोटे छोटे होते थे सिलमपुर की तरफ जाने से डरते थे कि वहां नहीं जाना, वहां मुसलमान है, वहां इतनी दहशत होती थी मुसलमान की, ये हकीकत बता रहा हूँ आज मैं। लेकिन आज आज कुछ नहीं, आज कहीं भी मुसलमान है मुसलमान कोई बात, इतनी दहशत फैला दी आप लोगों के अंदर कि आप वोट देने से भी डर रहे हो, आप मुसलमान अपना नाम बताने से डर रहे हो। हम 2% सिख है, जैसे चौधरी साहब ने बताया 2% सिख है हम लोग, सिर्फ पूरी इंडिया के अंदर 2% सिख। हम लोगों ने किसान बिल वापस करवाया, 2014 के बाद पहली ऐसी कौम सामने आई मोदी के सामने जिसने अपना बिल वापस कराया, 2% होने के बावजूद अपना किसान बिल वापस कराया, चाहे उन्होंने डर के वापस किया, चाहे दहशत से वापस किया, चाहे कैसे भी वापस किया, लेकिन हम लोग अड़े रहे, 750 बलिदान दिया हमने, शहीदियां दी, लेकिन अपना बिल वापस करवाया हमने। और आप लोग 20% होने के बाद CNRC का बिल वापस नहीं करवा पाए, आपको डूब के मर जाना चाहिए। आज मैं यहां से बोल रहा हूं आपको डूब के मर जाना चाहिए, आज भी आपको मौका है, अभी भी मौका है आपको संविधान का, अभी भी आप उंगली का बटन दबा सकते हो, अभी भी उस बिल को आप अभी भी फाड़ के फेंक सकते हो। असदुल्लाह ओवैसी साहब ने बिल को फाड़ के फेंका था, आप यहाँ पर समाजवादी पार्टी को बिल का फाड़ के फेंको, मुलायम का बिल को फाड़ के फेंको, कांग्रेस के बिल को फाड़ के फेंको और बीजेपी के बिल को फाड़ के फेंको। ताकत क्या है? वोट, सिर्फ वोट। और जब तक वोट की पावर है इस पावर को यूज कर लो, नहीं तो भाइयों ये वोट की पावर भी आपके हाथ से चली जाएगी अगर आपने अभी तक इसको यूज नहीं किया तो। बहुत बेहतरीन मौका है, 1400 किलोमीटर से असदुद्दीन ओवैसी चल के आ रहा है, सिर्फ वो एक ही बात कहता है, झोली फैला के आपसे भीख मांगता है कि आप एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। वो ऑलरेडी MP है, इतनी इतनी संपत्ति है ना कि अगर वो जिंदगी भर भी उसकी कई पुश्ते बैठ के खाए तो उसको पैसे की कमी नहीं होगी, लेकिन वो सिर्फ आपको एक करने के लिए घूम रहा है, सड़कों सड़क घूम रहा है, सड़कों सड़क घूम रहा है, खड्डे यूपी के खड्डों में घूम रहा है, अपनी नींद को छोड़ रहा है, अपनी विरासत को छोड़ रहा है, अपने ऐशो आराम को छोड़ रहा है, वो सिर्फ वो आपके लिए भाग रहा है कि आप एक हो जाओ। आप कुछ भी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, शिया हो, सुन्नी हो, कोई भी जमात हो आपकी, आप पहले मुसलमान बन जाओ, एक बार सच्चे मुसलमान बन जाओ और पतंग के निशान पे वोट करो, अपने हरे रंग पे वोट करो। बस मैं इतनी बात आपसे कहना चाहूंगा, मैं ज्यादा टाइम लूंगा नहीं क्योंकि मुझे दो मिनट का टाइम मिला था और मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, माफी भी चाहूंगा मैं, बाकी नाम मैंने नहीं लिया, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि 2 मिनट का मुझे समय मिला था, अगर नाम लेता तो सबके नाम लेने पड़ चुके थे। आप ये मत देखो कि आपका कैंडिडेट कौन है, आपका कैंडिडेट लूला हो, लंगड़ा हो, काना हो, काला हो, गोरा हो, आप ये देखिए कि आप मुसलमान को वोट कर रहे हैं, आप अपने हरे रंग को वोट कर रहे हैं, आप पतंग को वोट कर रहे हैं, आप अपनी आने वाली जमीनों को सता रहे हैं, उनको जिंदा कर रहे हैं, आने वाली कौमों को जिंदा कर रहे हैं। ये तो आने वाली कौमें आपको ना लानते देंगी कि उस टाइम आपने ओवैसी को क्यों नहीं पहचाना। बहुत समय है अभी भी, इलेक्शन कब का यहाँ पे 14 तारीख को, आप लोग यहाँ से कसम खा के जाओगे आज कि आप एक एक आदमी 5-5 घर में जाएगा, चाहे आप उसको जानते हो नहीं जानते हो, फिर भी आप 5-5 घरों में जाओगे और आप बताओगे कि एक सरदार आया था, पागल सरदार आया था दिल्ली से, मैं बोल के गया कि पतंग पे वोट करनी है, बस आप इतनी बात कह देना बस, फिर आप देखना क्या परचम लहराएगा सहारनपुर। संभल के अंदर ऐसी, यहाँ जितनी भी तादाद है मैं बस आप लोगों को कह रहा हूँ जो भी आवाज सुन रही है, 5-5 घरों में आपने जाना है, 5 वक्त की नमाजी हो ना, 5-5 घरों को आपने टारगेट करना है, उनके ऊपर बैठना है, 14 तारीख को उनके घर के बाहर खड़ा होना है, उनको बोलना है कि भाई पतंग पे वोट करना है, हरे रंग पे वोट करना है, बस जय हिंद जय भारत। देखिए बड़े कम वक्त के अंदर बड़े खूबसूरत